तक झड़प हुई है। हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जो खबर हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक फायरिंग नहीं हुई है लेकिन हिंसक झड़प हुई है दोनों देशों के बीच में। और इस हिंसक झड़प के दौरान भारत ने 3 लोग गंवाए हैं। जवाब में चीन की तरफ ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 5 सैनिक शहीद हुए, मारे गए हैं 5 सैनिक और 11 जवान उनके जख्मी हो गए हैं। इस पूरी तनावजन्य परिस्थिति के बाद आज सुबह एक बार फिर से चीन की तरफ से भारत से बातचीत की अपील की गई, जिसके बाद भारत और चीन दोनों के बीच इस समय सैनिक स्तर की वार्ता फिर से चल रही है। कल रात के पूरे घटनाक्रम के बाद, पूरे तनाव के बाद एक बार फिर बातचीत चल रही है, लेकिन इस समय तनाव बहुत ज्यादा है क्योंकि भारत ने कमांडिंग अफसर स्तर के एक अधिकारी को खोया है और साथ ही 2 सैनिक जवान भी भारत ने इस समय खो दिए हैं LAC पर। इस पूरे तनाव के बीच जो पिछले करीब 1.5 महीने से वहां पर चला रहा था और जिसे बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश दोनों देशों के बीच हो रही थी, ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 5 सैनिक चीन के मारे गए हैं और 11 सैनिक चीन के घायल हो गए हैं। ये खबर इस समय की बड़ी खबर है। अभी तक थोड़ी देर पहले तक जो डेटा था वो भारतीय सेना की तरफ से जानकारी पर आधारित था। भारतीय सेना ने जानकारी दी थी कि 3 लोग भारत के शहीद हुए, जिसमें कमांडिंग अफसर स्तर के अधिकारी हैं और 2 सैनिक जवान हैं, कुछ लोग जख्मी हुए हैं। लेकिन भारतीय सेना ने कहा था चीन की तरफ भी कैजुअल्टीज हैं जिसके बारे में उन्हें पुख्ता जानकारी नहीं है। अब ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक चीन के 5 सैनिक मारे गए हैं भारत की कार्रवाई में जवाब में, और साथ ही 11 सैनिक चीन के घायल हुए हैं। यानी कि भारत ने मुंह तोड़ जवाब चीन की इस हरकत का दिया है। भारत हिंसा में यकीन नहीं रखता, ये बात पूरी दुनिया जानती है। भारत की तरफ से कभी भी पहली कार्रवाई नहीं होती, इस बात को पूरी दुनिया जानती है। पिछले 50 साल में LAC पर भारत और चीन के बीच में तमाम तरह के तनाव के बावजूद कभी ऐसी कोई बड़ी हिंसक वारदात नहीं हुई है जैसी कल देर रात हुई। आखिर इसकी वजह क्या थी, इसकी शुरुआत किसने की, ऐसी परिस्थिति की नौबत क्यों आई कि चीन के सैनिक लाठियों पर, बल्लम पर कटीली तारें बांधकर, कील लगाकर भारतीय सैनिकों पर हमला करने के लिए आए, इसकी जवाबदेही चीन की बनती है और चीन को इस पर जवाब देना पड़ेगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री S. जयशंकर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस समय एक मीटिंग कर चुके हैं, थोड़ी देर पहले इस हालात का जायजा ले चुके हैं। ग्राउंड रियलिटी, मौजूदा स्थिति जमीन पर वहां कैसी है, क्या है, कल किस जगह पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ, भारत और चीन के बीच ये पूरा तनाव आखिर क्यों हुआ है? इसको जरा एक नक्शे के जरिए हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं। राहुल आपको बताएंगे कि वहां की परिस्थिति इस समय की क्या है। बहुत हफ्तों से हमारे तमाम आज तक पर दर्शक ये सुन रहे हैं कि गलवान घाटी में इस वक्त भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। कल रात को दोनों के बीच में हिंसा हुई और पिछले करीब 50 साल में पहली दफा वहां पर एक सेनानी की मौत भी हुई, एक अफसर और 2 हमारे जो जवान हैं उनकी मौत हुई। आइए हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि दरअसल इस वक्त चल क्या रहा है। ये ओवरऑल मैप है जम्मू और कश्मीर का, ये जम्मू और कश्मीर का इलाका है, यहाँ पर जम्मू और ऊपर कश्मीर घाटी, ये जो काली लकीर आप देख रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की इस वक्त की बाउंड्री है। इस तरफ पर भारत की सेना है, वहां पर पाकिस्तान की सेना, ये है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का इलाका। इस वक्त जो एक्शन हो रहा है वो कुल मिला के लद्दाख के इलाके में हो रहा है, जो कि अब भारत ने एक यूनियन टेरिटरी बना दी है। ये है अक्साई चीन का इलाका, हिंदुस्तान की सरजमीन जिस पर इस वक्त चीन का अवैध कब्जा है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत नजदीक है गलवान फेस ऑफ पॉइंट, जहां पर मैं आपको अभी लेके चलने वाला हूं। आइए अब हम अपने अगले मैप पर आते हैं। तो ये है लेह जो कि लद्दाख की राजधानी है, ये वहाँ की, अगर आपने फिल्में देखी हो बॉलीवुड की कई सारी या कभी आप सैर सपाटे पे लद्दाख गए हो तो आपने हेमिस मॉनेस्ट्री देखी होगी, तो वहाँ से होते हुए यहाँ पर शुरू होती है दारबुक से दौलत बेग ओल्डी की सड़क। 323 किलोमीटर लंबी ये सड़क है, करीब पिछले 15 साल से बन रही थी और इसी सड़क को लेकर कहा जाता है कि चीनी फौज और चीनी सरकार बहुत परेशान है, इस वजह से क्योंकि दौलत बेग ओल्डी सब सेक्टर नॉर्थ में पड़ता है, स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ही एक अहम हिस्सा है भारत का और यहाँ तक इस वक्त कोई सड़क नहीं थी, तो आप सोचिए वहाँ पहुँचने में कई दिनों तक वॉकिंग करके, ट्रेकिंग करके भारत की आर्मी को जाना पड़ता था। अब चूंकि हमने ये सड़क बना दी है जो कि पिछले साल इनॉग्रेट हुई थी, कंप्लीट हुई थी, इस वजह से हम
काफी हद तक अपने जो आर्मी है, हमारे जो कॉन्वॉयज हैं, उनको सीधे सीधे दौलत बे गोल्डी, जिसको सब सेक्टर नॉर्थ कहा जाता है, वहां तक पहुंचा सकते हैं। ये जो आप लाल रंग की लकीर देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अब मजे की बात तो यह है कि पैंगोंग सेक्टर में यहाँ पर दो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, एक भारत का परसेप्शन की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है और एक चीन का परसेप्शन। लेकिन जहां पर ये क्लैश हुआ वहां पर तो कोई दो परसेप्शन है ही नहीं, एक ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और उस इलाके में फिलहाल ये जो कॉन्फ्रंटेशन है। राहुल कमल आपको बता रहे थे कि वहां की परिस्थिति क्या है, नक्शे के मुताबिक आपको समझा रहे थे कि असल में जमीन पर वहां हकीकत की स्थिति क्या है और किस परिस्थिति में भारत और चीन की सेनाएं कल रात को इतने आमने सामने हो गई कि हिंसक वारदात हो गई, हिंसक झड़प हो गई। मेजर जनरल रिटायर्ड ए के सिवाच इस समय हमारे साथ आ गए हैं लाइव हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए। सिवाच साहब, कल रात को जो हुआ जिसमें भारत ने अपने तीन लोग गवाए, एक कमांडिंग अफसर सर के अधिकारी और दो जवान शहीद हुए भारत के, और चीन की तरफ से पांच लोगों के मारे जाने की खबर ग्लोबल टाइम्स दे रहा है, अब आगे क्या, इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं, कैसे आंकते हैं? सिवाच साहब, देखो इसमें कोई दो राय नहीं, एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है जो इंसिडेंट कल हुआ है जिसके अंदर अपने तीन जवान और एक सीनियर ऑफिसर को शहीद हुआ है और हमने चीनियों को भी, पांच चीनी को मार गिराया है और 11 के करीब घायल। तो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन नजर आ रही है कि जब ना गोली चली एक दोनों तरफ से तो ये कैजुअलिटी इतनी ज्यादा हो कैसे गई, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से अभी तो सिचुएशन हो रही थी, आप सिचुएशन थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे डिफ्यूज होती जा रही थी और डिसंगेज हो रहा था, डिफ्यूज हो रहा था, और इसमें कोई राय नहीं। गलवान घाटी के अंदर कोई एरिया डिस्प्यूटेड नहीं है, वहां पर जो भी हमारा LSE है वो बिल्कुल मार्क है। तो ये होना एक प्रकार एक बड़ा दुख की बात है, ये इम्पैक्ट करेगा अगले हमारी नेक्स्ट कार्रवाई में। अगर ऐसा हालात कल हुए हैं तो सिचुएशन थोड़ी सी ग्रेव है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, आगे कैसे बात बढ़ेगी, क्योंकि ना भारत ना चीन लड़ाई नहीं चाहता कि डिसंगेज हो, मगर ये दुर्भाग्य वाली बात है ये इंसिडेंट हुआ कैसे, अगर बिना गोली चले इतनी कैजुअलिटी दोनों तरफ कैसे हुई, ये एक प्रकार का बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और आने वाले समय में बहुत बड़ी सिचुएशन जो दोनों तरफ से संभालना काफी मुश्किल होगा। आपको लगता है कि ये मामला अब सैनिक स्तर की बातचीत से सुलझ नहीं सकता, अब विदेश मंत्रालय के स्तर पर या इससे ऊपर अब दोनों देशों को एंगेज करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, तब इस पर जाकर कोई आगे हल रास्ता निकलेगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि जो इस तरीके से लोकल लेवल कमांडर्स बातचीत कर रहे हैं, कमांडिंग ऑफिसर, ब्रिगेड कमांडर और GOC जो बातचीत आपस में गलवान घाटी और पेंगेंगसू में हो रहा है, उसमें कोई खास ज्यादा हल नहीं नजर आ रहा। जैसे कल सिचुएशन रात को खराब हुई, मुझे लगता है कि ये डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल पे करना चाहिए, इसको जल्दी से जल्दी डिफ्यूज करें, क्यों जब दो फौज आमने सामने बैठी हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने का बहुत ज्यादा चांस है, और एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग से आप देखो कि कितनी बड़ी कैजुअलिटी होगी दोनों तरफ, ऐसी सिचुएशन आप बिल्डअप क्यों करने दे रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको डिप्लोमेटिकली और आप पॉलिटिकली सॉर्ट आउट करो, क्योंकि अगर ये सिचुएशन इस तरीके से दोनों तरफ से रही और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। जो कल हुआ है एक बड़ा स्ट्रेंज है, बिना गोली चले इतनी भारी कैजुअलिटी होना, जिसको मिसअंडरस्टैंडिंग कह रहे हैं, मैं ये सोचता हूं मिसअंडरस्टैंडिंग या शरारत, क्या कहेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसचीफ, मिसचीफ भी हो सकती है, इसमें कोई दो राह नहीं। जिस प्रकार से चीनी कई बार पिछली बार भी प्रिपेयर्ड आए थे, बैटन लेके आए थे, उसके अंदर डंडों के अंदर कीले लगा के आए थे और बट का इस्तेमाल, तो एक प्रकार से डबल स्ट्रेटेजी भी हो सकती है चीन की, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर मुझे नहीं लगता कि चीन इस समय फुल फ्लैज वार चाहेगा, मगर ऐसा अगर सिचुएशन होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जहां दोनों तरफ से कैजुअलिटी होती है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि आफ्टर ऑल एक कमांडिंग ऑफिसर या दो जवान हमारी तरफ से जैसे बताया जा रहा है वो सच है, तो एक बहुत बड़ी भयानक सिचुएशन है और हमने भी उनके पांच मारे, मगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने में टाइम नहीं लगता, इसलिए इस चीज को जल्दी से जल्दी डिप्लोमेटिक लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे रिजोल्व करने की ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि एक बिना हो गया है और इतना डिसंगेज नहीं हुआ है कि जब दोनों फौजें एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, और कहीं ना कहीं ऐसी जो आपने बताया, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग की बजाय
चीन जानबूझ के ऐसी हरकत कर रहा है, अगर वो जानबूझ के हरकत कर रहा है तो ये एक बड़ी बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, और इसके लिए हमें हमें तैयार रहना है। हम तैयार हैं, हमारे जो डिप्लॉयमेंट है आपके गलवान घाटी में पेंगोंगसो और डेमचोक एरिया में हमारी मेरठ टाइप है, हमारे पास भी उतने जवान हैं, गने हैं, आर्टिलरी है, एटी वेपन्स हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह भी हैं। तो क्या आपको लगता है शिवाज साहब या पिछले कई दिन से लगातार ये रिपोर्ट्स आ रही थी, हमारे साथ पीके सहगल साहब भी आ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ, जरा उनको भी मैं चर्चा में शामिल करना चाहता हूं। स्वागत है सहगल साहब आपका आज तक पर। जो बात पिछले कई दिन से आ रही थी कि भारत ने मिरर डिप्लॉयमेंट कर दिया इस जगह पर जहां चीन ने बड़ी तादाद में अपने सैनिक उतारे, भारत ने एक तरीके से मैन टू मैन मार्किंग कर दी, क्या चीन टेस्टिंग कर रहा था, पानी में पत्थर फेंकना जिसको कहते हैं टेस्टिंग द वॉटर्स, के देखते हैं क्या रिएक्शन होता है, और वो चीन को महंगा पड़ गया? देखिए, चीन को तो हम किसी प्रकार से ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये चीन की स्टेटमेंट है, ये हमारी स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन चीन के ग्लोबल टाइम्स साफ तौर पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चीन के 5 सैनिक मारे गए हैं और 11 सैनिक घायल हो गए हैं, हमारे यहाँ के कमांडिंग ऑफिसर मारे गए हैं। ये बहुत ही सीरियस इशू है, जब कमांडिंग ऑफिसर मारा जाता है तो स्थिति जो कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि जवान जो है और उसके ऑफिसर्स हैं अपने कमांडिंग ऑफिसर की का शहीद होने को ईजिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जो भी कार्रवाई बड़ी ज़बरदस्त हो सकती है। गलवान हमारी टेरिटरी है, यहाँ चीन की पहली बार इंट्रूजन हुई है, ये डिस्प्यूटेड एरिया नहीं था, और यहाँ से यहाँ पे पहले चीनी कह रहे थे हमने पीछे 3 किलोमीटर पीछे हट गए हैं, वास्तव में उसी को यकीन करने के लिए कि वो पीछे हटे कि नहीं, शायद हिंदुस्तान ने प्रोबिंग की होगी। हिंदुस्तान पहल नहीं करता, पहल हमेशा चीन करता है। अगर आप देखो 67 में पहल चीन ने की थी नाथुला चोला में, लेकिन हम हर प्रकार से उसके ऊपर हामी हुए और चीन को वहां से परास्त पीछे हटना पड़ा। फिर 1987 में सुमद्रोंगचू में भी पहल चीन की थी और हमने जो भी कार्रवाई की और हम चीन के ऊपर हर प्रकार से हामी हुए। चीन को साफ तौर पे इससे नजर आना चाहिए कि आज का हिंदुस्तान जो है वो 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, हम तो एक पीस लविंग नेशन है, हम किसी प्रकार से कोई युद्ध नहीं चाहते, क्योंकि युद्ध आज के माहौल में तो हमने साफ तौर पे ये कहा है। लेकिन सर आवाज सुन नहीं पा रहे, वापस आते हैं आपकी। जी जी सहगल साहब, वापस आता हूँ आपके पास। पीके सहगल रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड ए के सिवाच हमारे साथ हैं, जो लगातार बात कर रहे हैं कल रात चीन के और भारत के बीच हुए तनाव को लेकर। ग्लोबल टाइम्स चीन का ये कह रहा है कि 5 चीनी सैनिक मारे गए हैं, 11 चीनी सैनिक जख्मी हुए हैं, लेकिन जिस तरीके का चीनी मीडिया माना जाता है ए के सिवाच साहब, और जिस तरीके से चीन अपने मीडिया को इस्तेमाल करता है प्रोपेगेंडा के लिए, क्या इस बात पर यकीन किया जा सकता है कि उनके 5 सैनिक मारे गए? क्या ये संभव है कि चीन इस समय ये जताने के लिए कि साहब देखिए शुरुआत हमने नहीं की थी, इनकी तरफ से हमें मारा गया है, हम विक्टिम हैं, हम ज्यादा नुकसान में हैं, ऐसी परिस्थिति क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है चीन? बिल्कुल हो सकता है, ग्लोबल टाइम में माहिर है, ये एक प्रकार साइकोलॉजिकल वारफेयर और आपका इंफॉर्मेशन वारफेयर में चीन माना हुआ है, और लगता है जो आप बातचीत बता रहे हो कहीं ना कहीं ये बात सच हो सकती है, कहीं जताना चाहता है कि आपके एक ऑफिसर 2 कैजुअल्टी हुई हैं, हमारी भी 5 जवान शहीद हुए हैं और 11 घायल हुए हैं, कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से ब्लेम भारत के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि भारत ने ये स्टार्ट नहीं किया, भारत चाहता है डिफ्यूज हो सिचुएशन, मगर ये सोची समझी साजिश भी हो सकती है चीन की, इसको हमें बड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। और ये बात ठीक एग्री करता हूँ पीके सहगल साहब की, क्योंकि अगर हमारे ऑफिसर जो कमांडिंग ऑफिसर कैजुअल्टी होते हैं, जो कि एक बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, तो सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, कोई भी नहीं चाहेगा फौज में कि उनका कमांडिंग ऑफिसर इस प्रकार से शहीद हो। तो ये जो आज की तारीख में एक प्रकार से सिचुएशन बहुत ज्यादा वोल्टाइल है दोनों तरफ से, और चीन को यह समझना पड़ेगा कि अब यह कमजोर भारत नहीं है, ये 1962 का भारत नहीं है। 1967 में जब नथुला में आपस में हमारी टक्कर हुई थी तो 400 चीनियों को हमने शहीद कर दिया था और उनको मौत के घाट उठा दिया था और अपने 80 कैजुअल्टी हुए। तो एक प्रकार से चीन को समझना पड़ेगा, पर यह चीन की दगोली हरकत है, इसके ऊपर आप बिलीव नहीं कर सकते जो ग्लोबल टाइम बोल रहा है। जब तक हम इसकी पुख्ता नहीं करें, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री पुख्ता नहीं करें कि चीन की तरफ से कितनी कैजुअल्टी है, नहीं तो वो एक विक्टिम कार्ड खेल रहा है कि हमने पहल नहीं की, भारत ने पहल की और हमारी भी कैजुअल्टी है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी सोची समझी साजिश है, इसके ऊपर हमें पढ़ना चाहिए। पर ओवरऑल मुझे लगता है सिचुएशन जो है टेंस है,
क्योंकि जब कमांडिंग ऑफिसर किसी पलटन का शहीद हो जाता है तो सिचुएशन कहीं भी जा सकती है। मगर अगर हम नहीं चाहते ये सिचुएशन खराब हो, मैं ये नहीं जानता और समझता हूं कि भारत नहीं चाहता कि लड़ाई हो, चीन भी शायद नहीं चाहेगा, मगर अगर चीन ऐसी हरकत करेगा तो ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। इसको संभालना पड़ेगा और इसको डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकल लेवल पे ही अब संभाला जाएगा कि मिलिट्री लेवल पे एक प्रकार आपस में कॉन्फिडेंस टूट गया है, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस चीन ने तोड़ा है इस प्रकार से, ये एक प्रकार से पीठ पे छुरा मारने वाली बात है कि जब हम डिसएंगेजमेंट की बात कर रहे हैं उन्होंने वायलेंस इस्तेमाल किया। पिछले लगातार डेढ़ महीने से भारत और चीन के बीच बार बार बातचीत हो रही थी, मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई, डीएस्केलेशन दोनों तरफ से हो रहा था, उसके बावजूद कल रात को यह हिंसक वारदात हुई। सेनाओं के बीच एक तरीके से भरोसा टूटा है जिसका इशारा सिवाच साहब कर रहे हैं। कमांडर जीजे सिंह, उन्होंने कहा अभी अभी आपके सामने सिवाच साहब ने कि अब डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली इस बातचीत को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आपको लगता है कि अब स्थिति आ गई है कि सरकारों के स्तर पर दोनों देशों को बात करनी पड़ेगी और भारत को चीन पर एक दबाव बनाना पड़ेगा कि आप एक वापस कीजिए अपनी फौजों को और दो अपनी इस हरकत के लिए शर्मिंदगी जाहिर कीजिए जो 50 साल के बाद एक ऐसी स्थिति आई कि जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ रही। रोहत, अगर देखें तो अभी दोनों आर्मीज जो हैं, जो आमो सामने खड़ी हुई है वहां पे, वो एक कोलिजन कोर्स के ऊपर है। और दूसरी बात आ जाती है डिप्लोमेसी की, पॉलिटिकल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की। अब ये जो बात है वन टू वन हो जाती है, जैसे चाइना अगेंस्ट इंडिया, इंडिया अगेंस्ट चाइना, हमारे तीन मर गए उनके पांच मर गए, वो कहेंगे कि हमने शुरुआत की, हमने उनके पांच मार दिए, हम उन्होंने रिटेलिएशन हमारे तीन मार दिए और हम कहेंगे, क्योंकि हमें तो सच्चाई मालूम है क्या होता है वहां पे, कि उन्होंने हमारे अंदर आकर ये पहले तैयारी कर ये लाठियां और बैटन और ये सब प्लानिंग करके आए, तो ये एक गुंजल बन जाती है, ये एक कॉम्प्लिकेशन बन जाती है। इसको रिजॉल्व करने के लिए अभी जब तक दोनों मिलिट्री और पॉलिटिकल लेवल के लोग आपस में बैठकर उसको शांतिपूर्वक तरीके से इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं निकालते, इसका फैसला नहीं करते, इस टाइम इसके बारे कहना मुश्किल है। क्योंकि हमारे जवान कोशिश में रहेंगे कि इसका बदला ले, और उनके जवान भी ऐसे अपने मोटिव रोल में कुछ न कुछ करेंगे, जैसे पहले हमेशा ही आकर वो हमारे लोगों को, हमारी फौज को उकसाते हैं। उकसाने से बाज आएंगे या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। तो ये एक मेरे हिसाब से कैच 22 वाली सिचुएशन बन गई है, क्योंकि बात जब एक दूसरे कैजुअलिटीज की आ जाती है, देश की कैजुअलिटीज की आ जाती है, तो ऑब्वियसली इसका जो तय होती है लेवल बढ़ जाता है, ऊपर उठ जाता है, और हम भी इस तरफ पूरे तैयार हैं। और दूसरी बात हमें समझ में रखनी चाहिए, वो ये बहुत जरूरी है, वो ये है कि अगर डिप्लोमेटिक बात सक्सीड होती है, जब पॉलिटिकल लेवल के बात सक्सीड होती है, उसके पीछे उनकी कैलकुलेशन के अंदर, दोनों देशों की कैलकुलेशन के अंदर आपकी कितनी मसल माइट है वो जाती है। अगर एक की तो कोई मसल माइट ही नहीं है और दूसरा शक्तिशाली है, तो फिर बातचीत जो है वो लॉपसाइडेड होती है, वो टिल्ट हो जाती है। अब हम दोनों तरफ जो है वो फौज जो है बराबरी की है, हमारा वो मसल माइट नहीं जो पहले 1962-67 में था, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब उनकी कैलकुलेशन में जा तो चुका होगा, मेरी समझ तो ये कहती है उन्होंने कैलकुलेट किया ही, और फिर भी वो ऐसी बात पे उतर आए हैं। इसके पीछे उनका क्या धोखा है, क्या उनकी चाल है, क्या वो सोचकर ये काम कर रहे हैं, क्योंकि बात तो ये ऊपर से नीचे आई है ना, ये कोई नीचे से ऊपर नहीं गई, क्योंकि वो जब काम ऐसा अनप्रोफेशनल करते हैं जो आर्मीज नहीं करती, पत्थर मारने, ये लाठियां लेकर पीटना, लोहे उसके आगे वो लोहे के कील लगा के, इट्स लाइक लिंचिंग, और वो मारने आकर, अगर ऐसा उन्होंने काम किया और हमारे तीन
एक ऑफिसर दो जवान मारे गए हैं तो उन्होंने घायल कुछ जरूरत से ज्यादा कर दिया ना, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वो घायल करके भाग गए, उन्होंने तो कुछ ना कुछ ज्यादा ही किया होगा, कोई लहू लुहान ज्यादा हुए हैं जैसे उनके आदमी हुए होंगे, क्योंकि हम लोग जो है हमने तो पहले सुना है कि मुक्का धक्की होती थी उसके अंदर हम हमेशा उनको धकेल देते थे, तो ये मैं समझता हूँ कि अभी दो चार दिन में वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन। वापस आते हैं आपके पास कौन, जीजे सिंह उन सारी परिस्थितियों की बात कर रहे हैं कि इन परिस्थितियों में कल रात को यह पूरा घटनाक्रम हुआ, वो सवाल उठा रहे हैं कि यह सेनाओं के लड़ने का तरीका नहीं है, जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं पत्थरबाजी हुई है, एक तरीके से लिंचिंग की परिस्थिति चीनी सैनिकों ने पैदा की जिसके बाद कल रात का घटनाक्रम हुआ। बड़ी खबरें आज की इस पूरे मामले से जुड़ी आपको जान लेनी चाहिए, वो ये कि रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और CDS बिपिन रावत मीटिंग कर चुके हैं, इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे हैं, इस पूरी परिस्थिति की समीक्षा की जा चुकी है। सेना प्रमुख का पठानकोट का जो दौरा था, सूत्र बता रहे हैं कि वो रद्द कर दिया गया है LAC पर मौजूदा तनाव को देखते हुए। ग्लोबल टाइम्स के रिपोर्टर के हवाले से जो खबर आई है उसके मुताबिक चीन ने अपने 5 सैनिक गंवाए हैं, उनकी जान गई है कल रात के घटनाक्रम में, और 11 सैनिक चीन के जख्मी हुए हैं। भारत ने अपने 3 लोग गंवाए हैं जिसमें एक कमांडिंग अफसर स्तर के अधिकारी हैं जो कि लीड कर रहे थे इन्फेंट्री को, और साथ ही 2 सैनिक जवान भारत के कल रात में शहीद हुए हैं। पूरे घटनाक्रम में जो सबसे बड़ी बात है वो ये मानी जा रही है कि कल रात इस हिंसक झड़प में कोई गोलीबारी नहीं हुई है, कोई फायरिंग नहीं हुई है, लेकिन चीन की तरफ से हिंसा की गई, पहले लाठियों के ऊपर कटीली तार बांधकर, कील लगाकर, पत्थरों के जरिए उन्होंने हमला किया जब डीएस्केलेशन का प्रोसेस चल रहा था, और उसी दौरान यह हिंसक झड़प दोनों सेनाओं के बीच में हुई है जिसका नतीजा दोनों तरफ की कैजुअलिटीज के तौर पर सामने आया, जिसमें भारत की तरफ भी सैनिक शहीद हुए हैं और चीन की तरफ भी सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ राज्यों के मीटिंग करने वाले हैं, ये मीटिंग होनी है कोरोना के मौजूदा हालात को लेकर जो परिस्थितियां हैं और आगे जो रणनीति होगी केंद्र सरकार की और राज्यों की उस पर बातचीत होनी है, लेकिन जो खबर है उसके मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। क्या इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार ने मन बनाया है औपचारिक तौर पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस बारे में जानकारी देने का? विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं कि सरकार औपचारिक तौर पर स्थिति स्पष्ट करे। अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया और सीधे केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि वहां क्या चल रहा है, इस बारे में सरकार को जानकारी देश के सामने रखनी चाहिए। हमारी नजर लगातार इस पर रहेगी। तीनों मेहमान रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ बने हुए हैं, PK सहगल मेजर जनरल रिटायर्ड, AK सिवाज और कमांडर GJ सिंह रिटायर्ड, तीनों से हम बात करते रहेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे हैं।